गाइस मैं जल्दी जल्दी चाहता हूँ, मेरे पास ना $2 है। मैं सोच रहा हूँ $1 की चॉकलेट खरीदूंगा, बाकी बचे $1 में अपने जॉब के लिए एक नया पट्टा खरीद लेंगे। वैसे भी बहुत गंदा हो रहा है ना उसका। जल्दी जल्दी चलता हूँ पूरी स्पीड में। आज तो मजा ही आ गया, मुझे मेरी सैलरी जो मिल गई। फ्रैंकलिन मेरी बात सुन, मैंने सुना है तुझे तेरी सैलरी मिली है। हाँ भाई, तो पार्टी दे। कैसी पार्टी यार, बहुत गरीब हूँ मैं। अब ज्यादा नहीं, $1 मांग रहा हूँ। नहीं मैं नहीं दे रहा। नहीं देगा क्या? बोला तूने, तेरी इतनी हिम्मत, मैं तुझे अभी बताता हूँ बेवकूफ कह के। अरे इस गरीब की क्यों फिरकी ले रहे हैं? अबे तुझे पता भी नहीं है शायद, $1 मेरे लिए कितना कीमती हो सकता है। वैसे भी हो सकता है वो $1 बर्बाद जाए, इसलिए क्यों ना वो $1 तेरा ही बर्बाद जाए। मैं अपना क्यों बर्बाद करूं? ये छीन लिया मैं तुझसे $1। अब मजा आएगा, अब मैं दुनिया का सबसे एज वाला सूट खरीद सकता हूं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिलहाल मेरी एज, अरे बाप रे, बस 35 साल है, लेकिन मेरी एज दुनिया की 999+ होगी। गाइस वो क्या बोल कर गया था कि वो अपनी एज बढ़ाएगा मेरे $1 से? ये कैसे पॉसिबल है? गरीब को अमीर लोग इतनी बुरी तरह से मारते हैं, आप सभी ने देख लिया ना। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो इसी बात पे, और चैनल को सब्सक्राइब भी अपने फ्रैंकलिन के लिए। गाइस ये कर क्या रहा है? साइट तो मिल गई, मुझे फर्जी सी लग रही है। $1 में एज कैसे बढ़ सकती है यार किसी की? चलो ठीक है, खरीद के देख लेता हूँ, क्या पता सच में बढ़ जाए। फिलहाल मेरी एज 35 साल है, अगर मैं इस $1 के सूट को खरीदूंगा तो होनी चाहिए 50-60 साल। गाइस जी तो गोल्डन आयरमैन का सूट है कोई सा? अरे सूट तो बढ़िया, चलो बाय करते हैं। ओ माई गॉड, अरे वाह, इस सूट की एज तो पूरी 67 ईयर्स है। क्या सूट की एज 67 ईयर्स? गाइस अगर टोनी स्टार्क ने सूट को पहन लिया तो उसकी एज भी 67 ईयर्स ही हो जाएगी। लेकिन ये दोबारा क्या कर रहा है? अब यहाँ पर चलो ये पक्का हो गया, साइट ना अच्छी वाली है, तो $100 मिलियन का सूट खरीदता हूँ। क्यों गाइस, देखा मेरे पैसे बर्बाद करवाना चाह रहा था वो, अब देखो खुद के पैसे से। व्हाट, अरे वाह, इसकी एज तो पूरी 1,00,000 साल है। अरे लेकिन 99999 नहीं मिला, चलो कोई नहीं, और ज्यादा बढ़िया साइट ढूंढूंगा और उस पे से और पैसों की पैसे खरीदूंगा। अरे बाप रे दोस्तों, मुझे ना टोनी स्टार्क को फोन चुराना होगा। गाइस उसकी वेबसाइट पर ना कोई तो ऐसा सूट मुझे भी मिल जाएगा जो $1 का हो, और हम अपनी खुद की एज ही बढ़ाएंगे। तो चलो रात होने तक का इंतजार करते हैं। हो जा रात। गाइस यहां पे रात हो रही है। ऑलराइट दोस्तों, अभी रात हो चुकी है, मैं यहां पर किसी भी हालत में टोनी स्टार्क का स्मार्टफोन चुरा कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो जल्दी चलते हैं, बस उम्मीद करता हूं कि वो सो गया हो, नहीं तो अगर नहीं सोया तो मेरी बैंड बजा देगा वो। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, भागो भागो। गाइस देखिए स्टार्क यहां पे सो रहा है, बहुत चालाक है, अपने सूट को ना जाल में बंद करके सो रहा है जिसे कोई चुरा ना ले। लेकिन गाइस इसका स्मार्टफोन कहां होगा? मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। गाइस वो वाला जो सूट है ना मेरा होना चाहिए, क्योंकि $1 में खरीदा था इसने, वो भी मेरे पैसों से। खैर कोई नहीं, गाइस ये रहा स्टार्क का फोन। गाइस इस वाले फोन को चुरा लेते हैं, हमारा हिसाब चुत्ता हो जाएगा, क्योंकि $1 से ज्यादा कीमत तो होगी स्टार्क के फोन की। मजा ही आ गया आज तो। गाइस सपने देख रहा है ये, चलो निकलते हैं यहां से, जल्दी जल्दी भागो 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 भागो। फाइनली गाइस दिन हो चुका है, मैं काफी दूर भी भाग के आ गया हूं। ये क्या, वेबसाइट लॉग्ड है? गाइस इस पे क्लिक करके देखें। ओह नो, कम ऑन, हो जा। गाइस प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक करो जिसने नहीं किया, कमेंट में जल्दी से एटी गेमर ओपी भी लिख दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लो, उससे ना हमारी वेबसाइट अनलॉक हो जाएगी। प्लीज कर दो ना अपने भाई फ्रैंकलिन के लिए, मुझे भी तो देखना है ये कैसी साइट है। कम ऑन कर दीजिए। यस गाइस हमने आयरन मैन शॉप अनलॉक कर लिया है, और यहाँ पर $1 का सूट भी है। क्यों ना गाइस इसको बाय करके देखा जाए। ओह माय गॉड, ये तो पिंक आयरन मैन का सूट है जिस पर ग्रीन टैटू है, बाय करके देखो। गाइस लुक एट मी, मैं तो पिंक आयरन मैन बन गया। और एक मिनट, मैंने तो ध्यान ही दिया, मेरी एज देखिए यहाँ पर 61 ईयर्स हो गई है। हालांकि थोड़ी कम है टोनी स्टार्क के सूट से, लेकिन 61 भी बहुत है। अरे वाह क्या ही समुंदर है, अरे मैं तो कार्टून वाले वर्ल्ड में जाऊंगा। गाइस ये कैसा हल्क है, कितना सूखा सा है बेचारा। और दोस्तों यहाँ पर ये कार्टून वर्ल्ड में जाने की बात कर रहा है। अरे जल्दी चलता हूँ। गाइस ये तो रेड हल्क है, आज मैं इस हल्क को किडनैप कर लूंगा। मुझे पता चला है इसके पास $10 मिलियन है। सुखड़ा सा हल्क दिखने में तो तू सिग्नल पसली है, लेकिन तू बंदा असली है, चुपचाप मेरे को $10 मिलियन दे। अरे नहीं दूंगा, वो मेरे दादाजी ने मुझे बर्थडे पर गिफ्ट किए थे, क्योंकि उनकी मौत होने वाली है, वो चाहते हैं उनकी सारी संपत्ति मैं रखूं। नहीं दूंगा। और देगा तू? कैसा नहीं देगा, मुआ पूरी स्पीड में जाऊंगा। गाइस यहां पर देखिए रेड हल्क, रुक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं रेड हल्क। और कौन है तू? चुपचाप पीछा कर मेरा, नहीं तो मारूंगा। खुद का पीछा करने के लिए बोल रहा है? बिल्कुल मैं बदमाश हूँ, किसी से डरता नहीं हूँ। $10 मिलियन लेके आ जाइयो अगर इस सुकड़े से को बचाना हो। पूरी स्पीड में भागता हूँ यहाँ से। अरे बचा लो। गाइस हमें यहाँ पर उस बेचारे हल्क को बचाना होगा। ये क्या है गाइस, ये तो कोई मॉन्स्टर है। $10 मिलियन नहीं देगा तो इस फायर जिला की आग में चलेगा। फायर जिला? गाइस सोनिक जिला, हगी जिला, सब है। ये फायर जिला क्या है? जरूर ये अपने मुंह से आग फेंकता होगा मॉन्स्टर। गाइस इसको हराएं कैसे? ये रेड हल्क बहुत खतरनाक है, और ये फायर जिला को देखिए। अरे बचा लो, जो मुझे बचाएगा मैं इसको $1 मिलियन दूंगा। अरे मैं तुझे बचा लेता हूँ, $10 मिलियन दे दे। नहीं $1 मिलियन दूंगा। नहीं चाहिए, 10 चाहिए पूरा। गाइस मैं काम करता हूँ, रेड हल्क से बोलता हूँ इसको छोड़ दे, नहीं तो पुलिस को बुला लूंगा। हे रेड हल्क, मैंने ना पुलिस को कॉल
कर दिया है, मेरी बहुत ही ऊपर तक पहुंच है पुलिस वातियों की, और पुलिस तो मेरे पैसे पे चलती है, तू मुझे सिखाएगा मुंह छो की कसम पटक के मारूंगा। अरे 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 सॉरी मैं तो सर आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मजाक कर रहा था। मजाक करता है मछली, यला गाइस यहाँ पर मेरी एज 61 है लेकिन मैं एक साल के बच्चे जैसे पिटता हूँ, लेकिन बच्चे भी इतना नहीं पिटते जितना मैं पिटता हूँ, मजा आ रहा है। अब तो गाइस मुझे कुछ और करना होगा। अरे बचा ले फ्रैंकलिन, बचा ले। भाई तू चिंता मत कर, मैं तुझे बचाऊंगा। कैसे गाइस एक बार कमेंट में प्लीज फ्रैंकलिन ओपी लिख दीजिए ना। एक मिनट, ये गन तो यार मेरे सामने थी बहुत टाइम से, क्यों ना गाइस इसका इस्तेमाल किया जाए। Alright, इस गन को मैंने उठा लिया है, पहले ये काम करती भी है, मैं ये चेक करूंगा इस वाली दीवार पे। अरे वाह ये काम कर रही है। ओके गाइस पहले हम इस फायर जिला को शूट करते हैं। ये ले, अरे मैंने तो गलती से रेड को कर दिया, अच्छी बात है। ये ले फायर जिला तू भी, अरे मार के बर्बाद कर दी मेरा सूट को। ये ले। ओके गाइस यहां पर हमने फायर जिला को भी अच्छी तरह से डैमेज किया। ए मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं, मेरे बॉस को मारता है तू। अरे जल्दी चल भाई फ्रैंकलिन, मैंने तुझे बचा लिया भाई। अरे तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे ही नहीं मेरे दादा की संपत्ति को भी बचाया, इसलिए मैं तुझे गिफ्ट में पूरे $1,000,000 देता हूँ। हूहू गाइस हमारे अकाउंट में $1,000,000 आ चुके हैं। इतने पैसे में तो हम नई एज का सूट खरीद लेंगे। आई डोंट नो मुझे कौन सी एज का सूट मिलेगा, कैसा मिलेगा, बस मैं खरीद लेता हूँ आप सभी के सामने ही। गाइस $1,000,000 का सूट है, सोच लीजिए आप भी। अरे वाह ये भी पिंक की है जिसपे ग्रीन टैटू है, चलो इसको बाय करते हैं। लुक एट मी, और गाइस मेरी एज देखिए पूरी की पूरी 730 ईयर्स हो चुकी है, मैं 730 साल का हो गया हूँ। और गाइस अब तो मेरे पे उड़ना भी आ गया है और मेरे पास नई कमाल कमाल की पावर्स भी आ गए, बहुत ही मजा आ रहा है। चलो गाइस चेक करते हैं शहर में चल के रहा है। ब्रेकिंग न्यूज़, डॉक्टर मिक्सेड हुए पागल, रैंप पे खिलाने वाली चीजें हुई इनकी चोरी, इसलिए वो जिंदगी बर्बाद कर देंगे सबकी, जो उनकी मदद करेगा उसको पैसे मिलेगा। गाइस डॉक्टर मिक्सेड बहुत ही ज्यादा मशहूर है क्योंकि वो लोगों को रैंप खिलवा के अमीर करते हैं, तो गाइस हम डॉक्टर मिक्सेड की मदद करने जाएंगे, ये हमारा फर्ज बनता है। अरे मां बर्बाद हो गया, आओ मां क्या करो। अरे सर जी क्या हुआ। अरे एक ग्रीन हॉकी वॉकी चला। गाइस हॉकी वॉकी चला बहुत डोल रहे हैं शहर में। अरे वो मेरा बॉम्ब चुरा के ले गया, मैं रैंप नहीं करवाऊंगा बच्चा, तू जा जाके उस बॉम्ब को ले आ, मैं तुझे बदले में बहुत पैसा दूंगा, इतना पैसा जो तूने देखा भी नहीं होगा। क्या सच में। बिल्कुल बच्चा कसम खाता हूँ, आओ अब जल्दी जा, वो ग्रीन हॉकी वॉकी है, मैं तुझे लोकेशन भेजता हूँ, प्लीज जल्दी जा, चला जा। जा रहा हूँ। ओके गाइस यहाँ पर डॉक्टर मिक्सेड बहुत परेशान है क्योंकि उनका बॉम्ब चोरी हो गया है लिटरली में, और अगर मैंने ग्रीन हगी वगी जिला से बॉम्ब वापस ला दिया डॉक्टर मिक्सेड के लिए तो दोस्तों मुझे अरे बाप रे ये तो बहुत जायंट है। तू कौन है रे, तू तो टेस्टी लगता है, मैं तेरे को खा जाऊंगा। अरे ऐसा मुझे मत खाना, मैं तेरा बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं उस बॉम्ब के साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ। उस बॉम्ब को खाना है क्या तेरे को, बोल बोल। अरे यार ये ले, बहुत बकवास हो गई। गाइस हमने इसको डायरेक्ट पीटना स्टार्ट कर दिया है, वैसे भी मैं पूरे के पूरे 730 ईयर्स का हूँ, कुछ तो पावर होगी मेरे में। गाइस हमने ग्रीन हगी वगी जिला को पीट दिया, अब जल्दी से इस बॉम्ब को लेके चलते हैं। क्या सच में तूने मुझे पीट दिया, ये किसकी आवाज आई। मुझे आवाज आई, मैं तेरे को कहा जाऊंगा इस बॉम्ब के साथ। गाइस हगी वगी जिला बॉम्ब का आता है। तेरे को क्या लगा ये पावर्स मेरे को कहां से मिलती है, एटॉमिक पावर है, एटॉमिक बॉम्ब से मिलेगी ना। अरे समझ गया सर जी। बहुत बुरा मारा रे, अरे अब तो मर गया, अब क्यों मार रहा है मुझे। एक मिनट गाइस, ये कहां फेंक दिया इसने मुझे, सामने तो एक झोपड़ी टाइप रखी है, मैं आगे देखता हूँ, इस झोपड़ी में तो गाइस कुछ घोटाला है, इतने सारे बॉम्ब पटाखे मिसाइल्स। गाइस हगी वगी जिला यही खाता है, तभी उसके पास इतनी पावर है। गाइस वैसे एक साथ में वो इतना नहीं खा सकता, इसलिए दोस्तों हम कहते हैं ना इंसान अगर ज्यादा खा ले तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है, क्यों ना हगी वगी जिला को सारे बॉम्ब खिला दिए जाए तो वो भी बीमार हो जाएगा। हे हगी वगी जिला आ जा बेटा, तेरी हिम्मत है मुझे मारने की। अरे बाप रे फिर से मेरे से खेलता है तू, रुक तेरे को सीधा खाएगा मैं, हे बॉम्ब नहीं खाएगा तुझे खाएगा। ओके गाइस अब चलो इस मोटे को और मोटा बनाते हैं, खिला खिला कर आ जा बेटा, बहुत खाने का शौक है ना तुझे, अभी खिलाता हूं तेरे को मोटे मोटे बॉम्ब। अरे वो तो मेरी जिंदगी है, मैं उसको खा जाऊंगा, तेरे को भी खाऊंगा। आ जा बेटा। ऑलराइट गाइस अभी जैसे बॉम्ब के पास आएगा हम सारे बॉम्ब को ब्लास्ट कर देंगे। अरे ये क्या कहां गया वो, अरे इंसान कहां पर है तू, मैं तेरे को खा जाएगा, ये तो मेरा घर है जहां मैं खाना रखता है छुपा के एक महीने का। ये ले और खा बॉम्ब। अरे मार दिया। गाइस फाइनली हमने हगी वगी जिला को सबक सिखा दिया, देखिए क्या हालत हो गया, इसलिए ज्यादा बुरी बला होता है। ऑलराइट गाइस जल्दी चलते हैं और जाके वो जो बॉम्ब था डॉक्टर मिक्सेड का हम इसको लेके चलते हैं डॉक्टर मिक्सेड हल्क के पास। सर जी क्या बात है, अरे मैं बर्बाद हूँ। अरे सर ये लीजिए आपका बॉम्ब आ गया, और अब तो मैं आबाद हूँ, बहुत बढ़िया बच्चा तूने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुझे पुरस्कार देता हूँ पूरे $30,000,000 का। $30,000,000, ओह माय गॉड गाइस इतने पैसे में हम एक नई एज का सूट खरीद सकते हैं।
है, लेट्स गो फॉर अ न्यू सूट। गाइस 30 मिनट और का है, मुझे नहीं पता, चलो क्यों ना हम इसको बाय कर लें और पता करें इसकी कितनी एज है। अरे वाह, ये भी पिंकी है, ये तो अल्ट्रॉन का सूट है, इस पे भी ग्रीन टैटू है। ओह माय गॉड गाइस, मेरी एज देखिए 8099 ईयर्स, पूरे 8999 साल का हो गया आपका फ्रैंकलिन, मतलब उसका सूट। और गाइस मेरे पास पावर भी कितनी खूबसूरत है। अच्छा बेटा फ्रैंकलिन, अपने बॉस का फोन चुराता है तू, हाँ, और बोलता है तेरे पास पावर्स खूबसूरत है। मैं देख रहा हूँ तुझे, मीडिया में बहुत चर्चे हो रहे हैं, चोर, मेरा सूट लौटा, मेरा फोन लौटा, मेरी जिंदगी लौटा। अरे क्या बोल रहा है, मैंने तेरा फोन ही तो चुराया क्योंकि तूने मेरा $1 चुराया था। बेवकूफ, चोरों के साथ यही होता है, चोर के घर चोरी ना करूं तो किसके घर करूं, हाँ, तू चोरी तो है। अरे बहुत हो गया। अच्छा क्या हो गया, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है फ्रैंकलिन, तेरा सूट भी मैंने तुझसे छीन लिया, अब भी फोन कहाँ छुपाया पता, चड्डे में छुपाया क्या? नहीं, वो फोन तो मैंने बेच दिया। ओह नो गाइस, हम तो पकड़े गए, आपका फ्रैंकलिन पकड़ा गया। गाइस आप मुझे सपोर्ट करते हैं ना? करते हैं तो प्लीज यस लिखिए कमेंट में, मैं से निकल जाऊंगा बचकर। अबे तू निकलेगा मुझसे मुर्गी, मैं तुझे छोड़, मार दिया। गाइस बहुत हो गया, मैं जल्दी अपना सूट पहन लेता हूँ, कमोन 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 फ्रैंकलिन, तू कर सकता है। ऑलराइट दोस्तों, ये देखिए मेरी एज फिर से 8900 साल हो गई। अबे तुझे बताता हूँ, मैंने अभी तो पहन लिया अपना सूट। ओ नो, और मेरी एज तो देख 1,00,000 साल है, 1,00,000 साल। बहुत हो गया दोस्तों, अब मैं इसको छोड़ने नहीं वाला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे ये ले ये ले ये ले, अरे बाप रे, बॉम्ब मारता है, अभी बताता हूँ। अरे कितना, अरे नहीं, अरे अब बर्बाद कर दिया। फ्रैंकलिन क्या कर रहा है? अरे 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 न टांगों में टेक्निक करता है, अरे सामने से लड़। गाइस फाइनली हमने टोनी स्टार्क के जायंट गोल्डन आयरन मैन के सूट को, जो कि 1,00,000 साल का है, उसको 1 साल का भी नहीं छोड़ा। अब दोस्तों यहाँ पर समय आ गया है इस सूट को बेच डालने का, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, इसको बेचूंगा किसे? नहीं, बेचने के लिए पैसे थोड़ी चाहिए होती है, राइट स्टार्क? अबे छोड़ दे फ्रैंकलिन, मेरे सूट को यार बहुत महंगा है वो, किसको बेचेगा तू? हेलो गाइस, जल्दी से कॉल लगाते हैं अपने डॉक्टर में से। क्या बात बात है, मैं आराम कर रहा हूँ। सर जल्दी आइए, मेरे पास एक गोल्डन जायंट अवेंजर का सूट है जो कि आयरन मैन का है। अभी आ बच्चा, वाह क्या बात है, क्या बात है, स्टॉक कैसे पड़ा जमीन पर? अरे सर ये मेरा सूट बेच रहा है आपको चोरी से, प्लीज खरीदना मत। और मैं बिल्कुल खरीदूंगा, कितना पैसा लेगा? वैसे तो इसकी रियल कीमत सच बताऊं $500 मिलियन से ज्यादा है, क्योंकि ये प्योर गोल्ड का बना है और ये टोनी स्टॉक का सूट है, इसलिए इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी हुई है। समझ गया बच्चा, बताने की जरूरत नहीं है, ये $100 मिलियन। गाइस हमें $100 मिलियन मिल चुके हैं, आप इसका मतलब समझते हैं ना, अब हम दुनिया में सबसे ही ज्यादा एज का सूट खरीद सकते हैं, लेट्स गो फॉर अ न्यू सूट। ऑलराइट दोस्तों, $100 मिलियन है मेरे पास, और $100 मिलियन में मुझे पता नहीं कौन सा सूट मिलेगा, पहले देखते हैं। अरे वाह, ये भी एक पिंक एंड ग्रीन टैटू वाला सूट है, इसकी एज पता नहीं कैसी होगी, लेट्स गो। ओह माय गॉड गाइस, मेरी एज 9999999999 हो चुकी है। अरे वाह दोस्तों, साथ साथ में गाइस अभी कहीं मत जाइएगा, मुझे आप सभी को अपनी खूबसूरत वाली सुपर पावर्स जो दिखानी है। इतनी जल्दी कहां फ्रैंकलिन, मैं हूं राडाल को, याद है तूने मेरे आगे वागे जिला को, जिसको मैं फायर जिला बोलता था, उसको मारा था, अब मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। गाइस ये राडाल कितना बड़ा हो गया, मेरी एज हो चुकी है 5,00,000 साल, लेकिन मेरी एज 999 इयर्स है। अच्छा तो पार्ट 2 में देखते हैं कौन जीतेगा। गाइस जल्दी से कमेंट में पार्ट 2 लिखो, पार्ट 2 में बहुत खतरनाक फाइट होगी, कम ऑन गाइस, लेट्स गो फॉर पार्ट 2।